वेलकम एवरीवन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है अर्थवर्क मशीनरी एंड कंपैक्टिंग इक्विपमेंट्स। एनी हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, अर्थवर्क एंड प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड एंड सेकेंड इज पेमेंट स्ट्रक्चर। मीन्स कोई भी आपका जो हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन है, मेन उस प्रोजेक्ट को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो अर्थवर्क एंड प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। अर्थवर्क मीन्स उस रोड्स को बनाने के लिए, पेमेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो उसके में जो उसका फाउंडेशन वर्क होगा। फाउंडेशन वर्क मीन्स सबग्रेड। सबग्रेड के लिए क्या अर्थवर्क करना पड़ेगा, मीन्स वहाँ पे कहीं पे हो सकता है कि आपको कटिंग करनी पड़े, एक्स्ट्रा अर्थ को रिमूव करना पड़े सॉइल को, और कहीं पे फिलिंग करनी पड़े। तो दैट इज एक्स्ट्रा कटिंग एंड लूजिंग और रिमूविंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ वर्क। एंड आफ्टर दैट द सबग्रेड इज प्रिपेयर्ड फॉर द पेमेंट स्ट्रक्चर विच इज टू बी लेड ऑन द सबग्रेड। सो मेनली व्हाट इज अर्थ वर्क? अर्थ वर्क मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सबग्रेड टू बी सूटेबल टू रिसीव द सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर। एंड दिस अर्थवर्क इज मेनली एग्जीक्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सकवेशन प्रोसेस विच इज कटिंग और लूजिंग और रिमूविंग अर्थ इंक्लूडिंग द रॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग इट एज फिल और सॉइल बैंक। मीन्स हम अर्थवर्क को मेनली किससे डिफाइन करते हैं? एक्सकवेशन प्रोसेस से। एक्सकवेशन प्रोसेस जैसे हमने अभी ये डिस्कस ही किया है, क्या है? इट इज द कटिंग और लूजिंग और रिमूविंग ऑफ द अर्थ और रॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, देन ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग एज रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी उसकी जरूरत है। मीन्स जहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी अर्थ है वहाँ से उसकी कटिंग और लूजिंग की जाएगी, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ फिलिंग। इट मे बी डिवाइडेड एज एक्सकवेशन और कटिंग, ग्रेडिंग एंड कंपोजिशन। द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज डिसाइडेड अमॉन्ग द अदर फैक्टर्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। मीन्स जो आपका वर्टिकल प्रोफाइल की डिमांड है रोड की, उसके अलाइनमेंट की, उसके अकॉर्डिंग अर्थवर्क किया जाएगा। मान लीजिए कहीं ये आपका रोड प्रोफाइल है और ये एक्चुअल, ये हमें रोड प्रोफाइल चाहिए नंबर वन, और ये आपका अर्थ सरफेस है। तो ये क्या होगा, इस पोर्शन पे हमें ये एक्स्ट्रा अर्थ रिमूव करनी पड़ेगी और यहाँ पे फिलिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज द अर्थवर्क। आफ्टर अर्थवर्क सबग्रेड इज प्रिपेयर्ड ओवर देयर एंड देन पेमेंट स्ट्रक्चर इज लेड ओवर द सबग्रेड। इन दिस एक्सकवेशन प्रोसेस और इन अर्थवर्क द मेनली यूज्ड इक्विपमेंट्स आर बुलडोजर, पावर शोवल, ड्रैग लाइन, कामशेल, स्क्रैपर एंड होए। तो इस लेक्चर में हम केवल जो आपके अर्थवर्क मशीनरी है और कंपैक्टिंग इक्विपमेंट्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं फॉर द एक्सकवेशन और द अर्थवर्क। वन बाय वन इनको देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव बुलडोजर। बहुत ही कॉमन है, सबने देखा होगा। व्हाट इज बुलडोजर? ये इसकी वेरियस पार्ट्स हैं इस फिगर में बुलडोजर के। अब बुलडोजर में जो आगे का ये पोर्शन है, द ब्लेड, दिस इज कॉल्ड द डोजर एंड द टोटल मशीन नेम्ड एज बुलडोजर। इट इज कंसीडर्ड टू बी ए वर्सेटाइल मशीन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज इट मे बी यूज्ड फॉर क्लियरिंग द साइट, ओपनिंग अप रोड्स एंड मूविंग अर्थ फॉर शॉर्ट हाउ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 meters एंड ऑल्सो इन सेवरल अदर जॉब्स। मेनली जो हम बुलडोजर यूज करते हैं टू क्लियर दी साइड्स, ओपनिंग ऑफ रोड्स एंड टू मूव दी अर्थ फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 100 meters। एज एन एग्जाम्पल आप इस फिगर में देख सकते हैं बुलडोजर का यूज रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपका सॉइल है, अर्थ है, उसको ये मूव करके साइट को क्लियर करता है। वेरियस इसके जो आपके पार्ट्स हैं बुलडोजर के, वो इस फिगर में शो किए गए हैं सारे। सेकंड इज स्क्रैपर। स्क्रैपर
ये थोड़े एडवांस फॉर्म है बुलडोजर की। इसमें क्या है, स्क्रैपर में आपका एक एक वैगन टाइप का इक्विपमेंट इसके साथ अटैच्ड है, जो क्या करता है, इसका ब्लेड से अर्थ को रिमूव करके उसमें फिल करता है, और जहाँ पे भी चाहिए, जिस जगह पे भी इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर जहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, वहाँ से साइड से जाके वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर देता है। इसका जो बुलडोजर से ये एडवांस इस तरीके से है, बुलडोजर हम मेनली यूज़ करते हैं, आपका जो यूज़ कर सकते हैं वो अप टू 100 मीटर तक साइड क्लियरेंस के लिए। और इसमें आप जहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट है इन थिक लेयर्स में उसको निकाल के साथ ये खुद डिग करता है और कलेक्ट करके मटेरियल को जहाँ चाहिए हम डिस्पोज कर सकते हैं। मेनली यूजफुल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट ओवर रिलेटिवली स्मूथ एरियाज, इट इट सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन, इट कैन डिग हॉल एंड डिस्चार्ज द मटेरियल इन यूनिफॉर्मली थिक लेयर्स, कंस्टिट्यूट्स ऑफ ए वैगन विद गेट। ये है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस पोर्शन में, गेट हैविंग अ ब्लेड बॉटम, द ब्लेड स्क्रैप्स ऑफ द अर्थ एज द वैगन पुशेस फॉरवर्ड एंड फोर्सेस द एक्सक्वेटेड मटेरियल इनटू द वैगन, व्हेन द वैगन इज फिल्ड द गेट इज क्लोज्ड एंड द मटेरियल टू द इज कैरीड आउट टू द प्लेस ऑफ डिस्पोजल। सो दिस इज स्क्रैबर, इट इज अ फ्रंट ऑपरेटिंग, बट ड्रैग लाइन इज इट ऑपरेट्स टुवार्ड्स द मशीन। इसमें क्या है, जो आपकी बकेट है, दिस बकेट इज अटैच बाय अ ड्रैग केबल। जब आपकी बकेट को सरफेस पे रखते हैं तो उसके बाद डिगिंग के लिए उस ड्रैग केबल से बकेट को टुवार्ड्स द मशीन पुल किया जाता है, जिससे वो बकेट में जो जो आपके बकेट है सॉफ्ट अर्थ को कलेक्ट करता है, और उसके बाद जहाँ भी उसको थ्रो आउट करना है या फिर डिस्पोज ऑफ करना है वहाँ उस बकेट से निकाल देते हैं। तो मेनली जो आपका ड्रैग लाइन मशीन है, इट्स मेनली फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द ड्रैग केबल, एंड इट इज बैकवर्ड ऑपरेटिंग एंड द पावर शॉवल इज फ्रंट ऑपरेटिंग। उसकी बकेट इज फ्रंट ऑपरेटिंग एंड इट्स बकेट इज बैकवर्ड ऑपरेटिंग टुवार्ड्स द मशीन विद द हेल्प ऑफ ड्रैग केबल। नेक्स्ट वी हैज काम शेल, इट कंसिस्ट ऑफ ए बकेट ऑफ टू हाफ्स और शेल विच आर हिंज टूगेदर एट द टॉप। जैसे कि फिगर में देख रहा है, मैं दो बकेट्स हैं हाफ शेल में कनेक्टेड और हिंज टुगेदर एट द टॉप, द शेल्स में बी अटैच टू वी शोवल और क्रेन यूनिट और एट द बॉटम एट द बूम ऑफ ड्रैग लाइन, द ओपन काम शेल बकेट इज थ्रोन ऑन द टॉप ऑफ लूज मटेरियल। जो आपका ओपन शोवल्स हैं, दो बकेट्स हैं, ये दोनों होता क्या है, कैसे लाइट करेगा, ये मान लीजिए आपका लूज मटेरियल है, दैट इज थ्रोन ऑन द टॉप ऑफ द बेस ऑफ लूज मटेरियल टू बी डग, एंड एज द बकेट इज लिफ्टेड अप टू हाफ्स क्लोज एंड ट्रैपिंग द मटेरियल इन टू द बकेट। आपका मटेरियल दैट इज ट्रैप्ड इन टू द बकेट, इट इज थ्रोन आउट बाय द बकेट और ट्रांसफर्ड टू द एनी ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट लाइक ट्रक और ट्रैक्टर। दिस इक्विपमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ सॉफ्ट टू मीडियम मटेरियल एंड लूज मटेरियल एट और बिलो द एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट वन इज हो, इट इज एन एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट ऑफ पावर शॉवल फैमिली, हो इज मेन टू एक्सपोर्ट बिलो द नेचुरल सरफेस वेयर द मशीन इज स्टेशन्ड एंड इज कैपेबल ऑफ हैविंग precise control of depth of excavation at close range work. Hoe can extract
high tooth pressure and hence can excrete stiff material which normally cannot be excreted by drag line. So जो आपका हुए है इट कैन मोर यूजफुल देन ड्रैग लाइन इक्विपमेंट एंड कैन एक्सक्रेट मोर स्टिफ मटीरियल देन ड्रैग लाइन. डिफरेंस क्या है हो में पावर शेल में और ड्रैग लाइन में? आपका जो पावर शेल था दैट इज फ्रंट ऑपरेटिंग, इट इज अ बैकवर्ड ऑपरेटिंग. फॉर अ पावर शेल टू डिग इट हैज टू कम इन टू द डिग, बट इन केस ऑफ हुए it is not necessary that this equipment has to be placed in the dig and then digging out the earth. And also there is no drag cable which is as used in drag line machine. So these are the basic differences between Hoey drag line equipment and power shovel, and the various parts are shown here of Hoey. Next we have principles of fluid compaction of subgrade. जब हम बात करते हैं principle of compaction की for subgrade, we all know that for a perfect compaction there is two parameters. First is optimum moisture content, second is maximum dry density. So the soil is to be compacted such that it would have maximum dry density at optimum moisture content. So the principle is simple, that to achieve the maximum dry density in a subgrade there should be a optimum moisture content for the soil is to be maintained. So the preparation of subgrade includes all operations before the pavement structure could be laid over it and compacted. The various factors influencing soil compaction include the moisture content, amount and type of compaction, soil type and stone content. It is well known fact that there is optimum moisture content for a soil which would give maximum dry density for a particular type and amount of compaction. Hence, it is always desirable to compact the soil at optimum moisture content after deciding the compacting equipment. So, overall principle क्या निकलता है आपका for the compaction of subgrade means जो आपका soil है उसको हमें maximum और optimum moisture content पे ही compact करना है. सिर्फ optimum moisture content पे हमें क्या मिलेगा? Maximum dry density. Now next we have compacting equipments. For mechanical compaction we need some equipments such as roller, rammer, vibrators and a water jetting and ponding method. एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव रोलर्स. रोलर्स बेसिकली तीन टाइप के हैं जो आपके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, स्मूथ व्हील टाइप, न्यूमेटिक टाइप एंड फिर शिफ्ट टाइप रोलर्स. फर्स्ट वी हैव स्मूथ व्हील रोलर्स. स्मूथ व्हील रोलर बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, थ्री व्हील्ड और मैग्नम रोलर्स और टैंडम रोलर. थ्री व्हील्ड मीन्स दिस टाइप एंड मैग्नम सॉरी टैंडम व्हील्ड रोलर मीन्स दिस टाइप ऑफ व्हील्ड रोलर्स. थ्री व्हील्स में देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल ड्रम फ्रंट में है और दो व्हील्स पीछे है, मतलब टोटली दिस इज थ्री व्हील टाइप रोलर और मैग्नम रोलर. जो आपका टैंडम रोलर है इसमें क्या है, वन सिलेंड्रिकल व्हील इज एट रियर एंड वन इज एट फ्रंट. द ग्रॉस वेट ऑफ थ्री व्हील टाइप रोलर रेंजेस बिटवीन 4 to 18 tons, whereas of tandem type 1 to 14 tons. And the compacting efficiency, जो उनकी compacting efficiency वो किस पर depend करती है, depends upon the weight of these cylindrical wheels, their width, their diameter and the speed of rolling.
The smooth wheel rollers are suitable to roll a wide range of soils, preferably granular type of soil, and pavement material for the various layers. अगर हम बात soil की करें तो mainly granular type soils के use करते हैं हम smooth wheel rollers को and various pavement materials जैसे aggregates हैं, then top layer, surface layer for the compaction use करते हैं हम smooth wheel rollers को. जबकि सरफेस लेयर होती है टॉप की, जैसे ये है. दीज आर पर्टिकुलरली फाउंड टू बी यूज्ड इन कंपैक्टिंग सॉइल्स एंड अदर मटेरियल्स वेयर क्रशिंग एक्शन इज एडवांटेजेस. उनकी सूटेबिलिटी थी आपकी फॉर द नॉन प्लास्टिक सिल्ट एंड फाइन सैंड्स. शिफ्ट फिट रोलर्स की आपकी जो सूटेबिलिटी है, दिस इज suited to compact the clayey soils. Our 24 or more number of passes of the roller may be necessary to obtain adequate compaction. Next we have rammer. The rammers are used to compact relatively small area and where the roller cannot operate, such as compaction of trenches, foundation slopes, and आउटपुट रैमर इज मच लोअर देन द ऑफ रोलर. ऑब्वियसली जो कि आउटपुट है कंपैक्शन की रैमर की आपकी रोलर से कम होगी, क्योंकि साइज एंड शेप एंड वेट आपका जो रैमर का है वो रोलर से कम है. मेनली यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम रोलर्स को ले जा नहीं सकते, जहाँ पे जगह कम है, जस्ट लाइक ट्रेंचेस, फाउंडेशन एंड स्लोप्स. ये फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये रैमर यूज किया जा रहा है टू कम्पैक्ट the surface. Second, we have vibrator. Vibrators are more suitable for compacting the dry, poisonless granular material. There are also vibrators mounted rollers to give the combined effect of rolling and vibration. Vibratory rollers are advantages used in compacting a wide range of materials. Just here we can see that in this figure, it is a vibrator that is used to compact the cohesionless granular material. And the last method for the compacting is we have watering. In watering, the jetting and ponding is done, and it is considered to be efficient method for compacting cohesionless sand, watering heavily and then rolled by smooth wheel of pneumatic type rollers may also give adequate compaction of cohesionless sands. So in watering action, what we have done for the cohesionless sands, it is heavily watered then rolled by smooth wheeled pneumatic tyred rollers. So these are the